अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मुसा फिजैद। बात की जाए कि बांग्लादेश और जो इंडिया का मैच हो रहा था उसमें जो एक अजीबो गरीब फैसला दिया अंपायर ने, जो नो बॉल दिया। आप मेरे बैग में पिक्चर भी देख लोगे, समझ नहीं आई पता नहीं किस किस्म के अंपायर ने बॉल नो बॉल दे दिया। इसे हम मिस्टेकन भी हो सकता है, थर्ड अंपायर का अगर रुजू कर लेना चाहिए। थर्ड अंपायर भी नो दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है, चर्चा हो रहा है कि ये फिक्सिंग है, इसकी वजह से नो बॉल दे दी गई है। मुझे मिस्टेक तो नहीं लग रही भाई, आजकल इंटरनेशनल लेवल पे अंडर 19 वर्ल्ड कप जा रहा है, इस किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस तरह फेवरेटिज्म नज़र आता है। ये इस वक्त जो है नो डाउट 80-90% राइट्स इंडिया के पास हैं, लेकिन अब वही बात है, आप राइट्स से जो कुछ आप अमीर बोर्ड है उसकी वजह से आप खेले हुए हैं, जीत नहीं सकते। जब आप तो खेल के जीतना पड़ेगा, वरना आप नहीं जीत सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप जीत नहीं सकते, जब तक आप परफॉर्मेंसेस देखें नहीं जीतेंगे। तो इस किस्म के मेरे ख्याल में आइंदा अगर फैसले अंपायर की तरफ से ना आए तो अच्छा होगा। अंपायर भी जिस कहते हैं ना कंट्रोवर्सी के, और इसकी वजह से अंपायर पर भी तनकीद हो रही है। मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ तनकीद हो रही है। इस किस्म की नो बॉल बनती नहीं थी जो अंपायर ने दी है।